हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल में जो है एमएस एक्सेल से फॉर्मूले से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को कैसे करना है शॉर्टकट के तरीके से जो है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे, इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बताना है अगर आप जो है फार्मूला लगाएंगे काउंट का और A1 से जो है A4 का जो है परिणाम आपको बताना है। यहाँ पर जहाँ पर A1 की वैल्यू जो है 7 दी गई है, A2 की 9, A3 की 5, A4 की 1, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सेलों में इन वैल्यू को रखना है। तो A1 सेल में जो है 7 को रखा गया है, A2 में 9 को, A3 में 5 को, A4 में 1 को। काउंट वाले फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको काउंटिंग करनी रहती है कि कितने यहाँ पर सेलों में संख्याएं दर्ज की गई हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं A1 से जो है A4 तक ही यहाँ पर भरा गया है, तो कुल कितनी संख्या होगी, 4 संख्याएं, 4 सेलों में संख्याएं जो है भरी भरी गई हैं। इसके अलावा जो है कोई भी सेल यहाँ पर भरा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि जो है 4 ही सेलों में संख्याएं भरी गई हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली काउंट वाले फार्मूले में काउंट करना रहता है कि कितने सेल यहाँ पर भरे हुए हैं, इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं करना रहता है। तो काफ़ी सिंपल होता है ये काउंट वाला फार्मूला, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पर आया था काउंट ब्लैंक, A1 से जो है A10 की वैल्यू यहाँ पर बतानी थी, तो जिसमें A1 सेल में 7 को रखा गया है, A2 में 9 को, A6 में 5 को, A8 में जो है 1 को रखा गया है, और यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी थी A1 से जो है A10 तक। तो यहाँ पर कितने सेल भरे हुए थे, A1 2 3 4, इसके अलावा जो है 4 सेल भरे हुए थे, और A1 से A10 तक कितने सेल हो गए, 10 सेल हो गए। तो 10 सेल खाल भर कुल सेल थे, 4 सेल जो है भरे हुए थे, तो कितने सेल खाली थे, यहाँ पर 6 सेल खाली थे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर मिनिमम फार्मूला का यूज करते हुए यहाँ पर A1 से जो है A5 का यहाँ पर परिणाम आपको बताना था, जिसमें A1 सेल में 7 को, A2 में 9 को, A3 में 5 को, A4 में 12 को रखा गया है, A4 में 12 को, A5 में 15 को रखा गया है। तो यहाँ पर मिनिमम फार्मूले में क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना होता है, मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर आपको बताना होता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो यहाँ पर A3 वाली यानी कि 5 जो है सबसे छोटी संख्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर पूछ लिया जाता मैक्सिमम फार्मूला का यूज करते हुए, तो यहाँ पर A1 से जो है A5 का परिणाम क्या होगा, तो यहाँ राइट आंसर आता 15। अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो सबसे बड़ी संख्या, और मिनिमम पूछा जाए तो सबसे छोटी संख्या को आपको बताना रहता है। काफ़ी सिंपल होता है ये सभी फार्मूले। इसके अलावा जो है एक फार्मूला और आया था यहाँ पर आपके यूपीपीसीएल के एग्जाम में, मॉड फार्मूला, तो ये इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर शेषफल को बताना रहता है। तो इन दो संख्याओं को डिवाइड करिए, 25 इक्वल 4, तो यहाँ पर 6 जाएगा 6 बार, उसके बाद जो है इसका शेषफल 1 आएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया था, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है, तो इसका मान क्या होगा, अगर सम सम फार्मूले को आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है A, 1, 2, 3,
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया था। अगर यहाँ पर ए की जगह जो है जीरो को रख दिया जाए तो इसका मान जो है बदल जाता है, तो यहाँ पर इसको सभी को ऐड करना हो जाता है, तो यहाँ पर उसका मान आ जाता 6। अगर यहाँ पर ए की जगह जीरो को रखते, यहाँ 16 होगा नहीं क्योंकि सम वाले फार्मूले में ऐड करना रहता है, इसके अलावा जो है वैल्यू को नहीं बताएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थे जो UPSC के एग्ज़ाम में एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही MS Excel के क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके UPSC के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा जो है फार्मूला से संबंधित सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे शॉर्ट तरीके से। अगर आपके पास जो है सिस्टम नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो भी आप जो है इन सभी क्वेश्चनों को आसानी के साथ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में। यहाँ पर अगर आप जो है इसके डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कई सारे वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि आपको जो है टेक्निकल का कोर्स भी पढ़ना रहता है, तो इसलिए जो है शॉर्ट तरीके से आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़िए और जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।